सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोग के अनुरोध पर कई बहन भाई मांगे हैं लड्डू गोपाल जी का पूजन करने के लिए, उनका पूजन कैसे किया जाता है और जब लाएं तब उनका प्रथम पूजन कैसे किया जाता है, तो मैं आपको लड्डू गोपाल जी का विधिवत पूजन करके दिखाऊंगी और घर में भगवान को देखभाल कैसे किया जाता है, उनको भोग कैसे लगाया जाता है सब दिखाऊंगी। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी का प्रथम पूजा और घर में रख के पूजा कैसे किया जाता है। तो ये लड्डू गोपाल जी हैं, मैं इनको लाई हूँ, आज इनका स्थापना दिवस है, भगवान को घर में स्थापित कर रही हूँ। तो मैं आपको सभी को दिखाऊंगी कि भगवान का जब पहली बार लाए तो उनका स्थापना कैसे किया जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को मैं लाई हूँ और बाकी मैं पूजन विधि आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले ये चावल है, हल्दी से रंगा हुआ, तो इस पर हम कलश स्थापना करेंगे। तो छोटा सा हम अष्टदल कमल बना लेते हैं। अष्टदल कमल बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप एक बराबर में 8 डंडी खींचें, कहीं कम ज़्यादा ना हो, और फिर ऐसे इसको मिला दें। ये सबसे आसान तरीका है, अष्टदल कमल बन गया। अब हम इस पर कलश स्थापना करेंगे। इसमें हम स्वस्तिक बनाए हैं कलश में, और जैसा कि मैं हर पूजन में बताती हूँ कि कलश को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। ये 7 पल्लव हैं और बाकी सब हल्दी सुपारी अक्षत और जल से कलश भरा हुआ है। ये 2 बत्ती वाला दीपक है। तो मैं कलश स्थापना कर दी हूँ। कलश को हम पुष्पों से सजाते हैं। ये वैजयंती का पीला पुष्प है, तो बाल गोपाल जी को वैजयंती का फूल अति पसंद है, बहुत ही उनको प्रिय है। इनके पूजन में हम वैजयंती से कलश को विधिवत सजा रहे हैं। ये अष्टदल कमल पर भी हम पुष्प सजाते हैं, 8 पंखुड़ियाँ रख के। तो कोई भी हम इस पर कोई भी कलर का फूल रख देते हैं। ये वरुण कलश स्थापित हो गए। अब दीप को प्रज्वलित कर देंगे, साक्षी बना लेते हैं। दीप को हम इसीलिए जलाते हैं कि अग्नि देव साक्षी रहें हमारे पूजन का। ये हम धूप भी जला लिए, धूप भी जला के हम लगा देते हैं, तो काफ़ी सुगंध पूजा स्थान में हो जाता है, सुगंधित वातावरण हो जाता है। धूप लगाने के बाद हाथ को धो लेना चाहिए। ये पान की पत्ती है, थोड़ा सा हम इसमें चावल रख देते हैं। ये हल्दी मिश्रित चावल है। ये सुपारी में हम कलावा लपेट के भगवान श्री गणेश जी को प्रकट करते हैं, और ये माता गौरी जी हैं जिनको कि गाय के गोबर से हम बनाए हैं, हल्दी से भी बना लेते हैं। फिर आज हम गाय के गोबर से बनाए हैं। ओम, ये कुश घास है, कुश घास से हम स्नान कराते हैं भगवान को। कोई कोई बोलते हैं कुश घास उनको नहीं मिलता, तो दुर्वा से भी स्नान करा सकते हैं, तो फूल से भी स्नान कराते हैं। हमारे यहाँ आसानी से मिल जाता है ये कुश घास। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ये हम गौरी गणेश को स्नान करा लिए हैं। अब हम बाल गोपाल को विधिवत स्नान कराएंगे, क्योंकि बाल गोपाल का आज स्थापना दिवस है, गौरी गणेश का प्रथम पूजन होता है। ये पात्र है कांसे का, तो हम भगवान जी को इसमें बैठाएंगे। इनकी बांसुरी को हम अलग रख लेते हैं, मुकुट सहित मोर पंखी को हम उतार लेते हैं, मुकुट भी उतार लेते हैं, और फिर हम बाल गोपाल जी को उठा लेते हैं और यहाँ पर हम बैठा के भगवान को। ये भगवान का सब आभूषण है, ये चूड़ामणि है भगवान जी का, इसको हम यहाँ रख लेंगे। स्थापना के दिवस में हम भगवान को विधिवत सजाते हैं। भगवान जी का ये जैसे हम भगवान को स्थापना कर रहे हैं, ये हम वस्त्र भी उतार दिए देवता का। मैं दिखाना चाहूँगी कि ये भगवान अष्ट धातु के भगवान जी हैं ये, और ये पूरे भरुहे हैं, काफ़ी वजन है। कभी भी कोई भी मूर्ति जैसे बैठाते हैं बाल गोपाल या कोई भी देवता की, तो खोखली नहीं होनी चाहिए, भरुए होने चाहिए। ये पूरी तरह से भरुए हैं,
भरे हुए हैं और ये हाथ में लड्डू लिए हैं। ये गाय का शुद्ध दूध है। तो भगवान के जितने भी नाम हैं, केशव, माधव, मुरारी, जितने भी नाम हैं, सब नामों से आप हर चीज भगवान को अर्पण कर सकते हो। ये बाल गोपाल हैं, तो ओम श्री बाल गोपालाय नमः करके आप भगवान को स्नान करा सकते हो। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः। भगवान श्री बाल गोपाल की जय हो। उसके बाद हम इसको रख के और स्नेह से भगवान को, जैसे हम अपने संतान को नहलाते हैं, जैसा कि मैं घुमा के दिखाना चाहूँगी, ये भगवान बेकमे स्थिति में बैठे हैं, जैसे बेकमे में बच्चे चलते हैं हाथ पांव से, वैसे ये लड्डू गोपाल अष्ट धातु के हैं। हम भगवान को स्नेह से अच्छे से मल दिए हैं, फिर हम दूध से स्नान करा रहे हैं। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः। भगवान श्री बाल गोपाल जी दुग्ध से स्नान स्वीकार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुग्ध से स्नान करा लिए हैं, ये गंगा जल है, अब हम गंगा जल से स्नान कराएंगे देवता को। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः। भगवान जी स्नान स्वीकार करें। बाल गोपाल जी प्रथम बार देवता हमारे घर में स्नान कर रहे हैं, आपको हम स्थापित करेंगे, आप हमारे स्नान से तृप्ति पाएं, भगवान की जय हो। ये दूसरे पात्र में स्वच्छ ताजा जल है, अंत में हम स्वच्छ ताजा जल से देवता को स्नान कराएंगे। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः। देवता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम प्रभु को स्नान करा दिए विधिवत। ध्यान दें कि बाल गोपाल को हम जब भी नहलाएं, अगर ठंड है तो पानी को धूप में रख के हल्का सा गुनगुना करके फिर हम देवता को नहलाते हैं, और अगर गर्मी है तो हम शीतल जल से भगवान को नहलाते हैं। अगर ठंड है तो कभी भी हम पानी को आग पे चढ़ा के गर्म करके नहीं नहलाते, सूर्य भगवान के धूप में रख देते हैं और जल गुनगुना हो जाता है, फिर हम देवता को नहलाते हैं। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगी, भगवान को मैं नहलाई हूँ, तो ये चरणामृत है, इसको मैं किशमिश वगैरह डाल के, मिश्री उसी डाल के हम सब घर में सबको देंगे, इसलिए हम इसको सावधानी पूर्वक एक कटोरे में रख रहे हैं, और हम भगवान को इसी पात्र में बैठा के और श्रृंगार करेंगे देवता का ये, और हम देवता को दूसरा नया वस्त्र धारण कराएंगे। नया वस्त्र हम देवता के लिए लाए हैं, इसको हम प्रभु को धारण कराएंगे। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः। देवता जी वस्त्र स्वीकार करें। बाल गोपाल की जय हो। ये हम दूसरा वस्त्र भगवान जी को धारण करा दिए। भगवान जी को एक कर्ण फूल पहना रहे हैं, जो कान में देवता को पहनाते हैं, इसको पहना दिए। अब भगवान जी को हम मुकुट पहना रहे हैं देवता को। ये मोर पंखी है, भगवान जी को लगा रहे हैं। मोर पंखी हम जब भी लगाएं तो ये ऊपर वाला भाग कटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि जैसे देखिए, ये ऊपर वाला भाग हम जब बाजार से लाए थे तो ये कटा हुआ था, ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इसको मैं हटा दी हूँ और मैं प्रभु के लिए ये दूसरा ले आई हूँ, दो मोर पंखी, जो कि ऊपर वाला ये भाग कटा हुआ नहीं है, तो हम देवता को पहना रहे हैं। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः। ये दो ठो मोर पंखी पहना दिए, और ये तिलक चिन्ह है भगवान जी का, इसको हम पहना दिए। ये भगवान जी का हार है प्रभु का, ये प्रभु का मैं हार भी पहना देती हूँ,
ओम श्री बाल गोपालाय नमः। 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 ये देवता अपना हार भी पहन लिए जो कि स्नान से पहले पहने थे प्रभु, और ये चूड़ा है जो भगवान हाथ में पहनते हैं। आप श्रद्धा से चाहें तो सोने और चांदी का भी बनवा सकते हैं। ये भगवान जी की ये बांसुरी है, ये देवता अपनी बांसुरी भी ले लिए। अब हम देवता को यथास्थान उनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे और इनकी हम विधिवत पूजा करेंगे। सबसे पहले हम गौरी गणेश का पूजन कर लेते हैं। ये सिंदूर है, भगवान श्री गणेश जी को गौरी जी को पहले स्नान करा चुके थे, भगवान बाल गोपाल को भी स्नान करा लिए हैं। अब हम बाकी पूजा शुरू करें जो कि तिलक से शुरू कर रहे हैं। ये सिंदूर है, भगवान श्री गणेश जी को चढ़ा रहे हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, देवता सिंदूर स्वीकार करें। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ओम श्री वरुण कलशाय नमो, ओम श्री वरुण कलशाय नमो, ओम श्री वरुण कलशाय नमो। ये केसर है, चांदी की कटोरी में केसर और हल्दी थोड़ा सा डाल दिए हैं, तो केसर हल्दी ये औषधि हो जाता है, इसको मिश्रण कर देते हैं तो औषधीय भाषा में ये सोण हो जाता है यानी सोना। तो सोण का तिलक हम भगवान श्री बाल गोपाल को कर रहे हैं। ये काफ़ी गाढ़ा है तो हम भगवान बाल गोपाल को ये केसर का तिलक, वैसे बाल गोपाल को अष्ट गंध का भी तिलक लगाते हैं, कस्तूरी का भी तिलक लगाते हैं, हम केसर का तिलक लगा रहे हैं। ओम श्री बाल गोपालाय नमो। ओम श्री बाल गोपालाय नमो। ओम श्री बाल गोपालाय नमो, देवता की जय हो। ये कलश में भी हम तिलक लगा रहे हैं केसर और हल्दी का, और भगवान श्री गणेश जी को भी हम स्वर्ण तिलक लगा रहे हैं क्योंकि हम पहले से तिलक लगा चुके हैं भगवान जी को माता को, फिर भी हम केसर का भी तिलक लगा रहे हैं। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। महादेवी पुष्प स्वीकार करें, भगवान श्री गणेश जी को हम दुर्बा चढ़ाएंगे। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, भगवान श्री गणेश जी दुर्बा स्वीकार करें, देवता की जय हो। अब हम भगवान श्री कृष्णचंद जी को ये अपराजिता पुष्प की माला है भगवान के लिए हम बनाए हैं, ये भगवान श्री कृष्णचंद जी को हम पहना रहे हैं। ओम श्री बाल गोपालाय नमो। ओम श्री बाल गोपालाय नमो। ओम श्री बाल गोपालाय नमो। ये बाल गोपाल को हम पुष्पहार पहना दिए। ये तुलसी दल है जो कि बाल गोपाल के पूजन में बहुत ही महत्व रखता है, भगवान श्री बाल गोपाल को हम तुलसी दल अर्पण करेंगे जो कि भगवान के सन्मुख रखते हैं, और भोग में भी हम भगवान जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाएंगे। तो भगवान के हम माथे पर तुलसी दल चढ़ाएंगे, ये क्योंकि भगवान को काफ़ी शीतलता प्रदान करते हैं, और सोचने समझने की भगवान को जो निर्णय करते हैं अपने भक्तों के पक्ष में, जिनके भी पक्ष में, संसार के हित में, तो माँ तुलसी उनके मस्तक पर चढ़ी रहती हैं, तभी ये सब अच्छे निर्णय ले पाते हैं भगवान, नहीं तो अपने मस्तिष्क के पीड़ा से ही वो पीड़ित रहते हैं अगर भगवान को तुलसी दल न चढ़ाया जाए तो। तो हम भगवान बाल गोपाल जी को मस्तिष्क में हम यानी माथे पर तुलसी दल को अर्पण कर दिए। ओम श्री बाल गोपालाय नमो। ओम श्री बाल गोपालाय नमो। ओम श्री बाल गोपालाय नमः। ये रक्षा सूत्र है, ये हम भगवान श्री गणेश जी को अर्पण कर रहे हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। भगवान श्री गणेश जी रक्षा सूत्र स्वीकार करें। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमः। गौरी गणेश को हर पूजन में प्रथम पूजा दिया जाता है क्योंकि हम आपको आज बाल गोपाल जी का प्रथम स्थापना दिखा रहे हैं। जब भी आप बाल गोपाल जी को लाएं, पूरे सजे और सौरे बाल गोपाल जी को हम लाते हैं, लाने के बाद चाहे तो आप उपरोहित से या खुद, जैसे मैं बता रही हूँ आसान विधि, भगवान को आप ला के खुद इस तरीके से स्थापना भी कर सकते हैं और सत्यनारायण जी की कथा करके भी स्थापना कर सकते हैं। बाल गोपाल जी का ये नियम है कि जब ये घर में प्रवेश करते हैं, ऐसा नियम है कि जब भगवान घर में प्रवेश करते हैं, प्राणियों के साथ में आते हैं, तो वो खुद ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे साधारण ही मंत्र से, जो मंत्र से मैं भगवान को फूल वगैरह अर्पण कर रही हूँ, इन मंत्रों से ही उनको प्राण प्रतिष्ठा माना जाता है, चाहे तो आप उपरोहित से भी करा सकती हैं।
गृहस्थ के संपर्क में आते ही वो स्वयं ही जागृत हो जाते हैं देवता। तो मैं आपको बाल गोपाल जी का प्रथम पूजा दिखा रही हूँ और बाकी पूजा मैं आपको भी बताऊंगी घर में बाकी दिनों पूजा कैसे करते हैं। पहले ये जो हम रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं ये वस्त्र के रूप में अर्पण करते हैं, जो कि हम भगवान को नया वस्त्र नवीन वस्त्र पहना दिए हैं, फिर भी हम ये रक्षा सूत्र देवता को अर्पण करते हैं उप वस्त्र के नाम से। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः। माता जी को सदा सुहागन का पुष्प अर्पण कर देते हैं। ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, महादेवी की जय हो। ये श्रीफल है, श्रीफल हर पूजा में चढ़ाया जाता है। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, देवता श्रीफल स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, महादेवी श्रीफल स्वीकार करो। ओम श्री बाल गोपालाय नमो, ओम श्री बाल गोपालाय नमो, ओम श्री बाल गोपालाय नमो, देवता श्रीफल स्वीकार करो। हम श्रीफल यहाँ पर बगल में भगवान जी के स्थापित कर देते हैं। श्रीफल पर भी एक पुष्प चढ़ा देते हैं। ये अक्षत है, मैं भगवान श्री गणेश जी को चढ़ा रही हूँ और माता गौरी जी को। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, माता अक्षत स्वीकार करें। ओम श्री बाल गोपालाय नमो, ओम श्री बाल गोपालाय नमो, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, देवता अक्षत स्वीकार करें। देवता को हम अक्षत चढ़ा दिए, अब हम भोग लगाएंगे। तो जो भी भोग हम लगाएंगे वो पहले भगवान श्री गणेश जी को और माँ गौरी को चढ़ाएंगे, जिसमें हम तुलसी दल नहीं डालेंगे। उसके बाद जब हम बाल गोपाल को चढ़ाएंगे तो सारे भोग में हम तुलसी दल डाल के चढ़ाएंगे, जो कि दिखाना चाहती हूँ कि ये मिश्री है और ये माखन है और ये मेवा है, जो कि मेवा मिश्री हम बोलते हैं। तो ये मुनक्का है, यानी किशमिश, जो कि अंगूर को सुखा के बनाया जाता है। ये भगवान को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि बाल गोपाल जी अभी 1 साल के भीतर ही है तो वो अपने मुख में डाल के इसको खा सकते हैं। इसलिए हम कठोर जो मेवा है उसको नहीं चढ़ाते हैं, आज के दिन हम यही मेवा चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी को भोग अर्पण कर रहे हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ये मक्खन है, इस मक्खन को भी हम भगवान को गणेश जी को गौरी मैया को अर्पण करेंगे। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, महादेवी भोग स्वीकार करो। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, माता भोग स्वीकार करो। भगवान श्री गणेश द्वारा, माता पार्वती द्वारा, जिस देवी देवता को हम भोग अर्पण करते हैं इन्हीं के द्वारा होके उन देवी देवता तक पहुँचता है। अगर हम इनकी पूजा न करें, इनको हम अर्पण न करें, तो कोई भी देवी देवता हमारे भोग को, पूजा को स्वीकार नहीं करते। प्रथम पूजा हम इनकी करते हैं, उसके पीछे से बाकी हम देवी देवता का पूजन करते हैं। तो इसलिए कोई भी पूजा हो भगवान श्री गणेश जी को, माता गौरी को जरूर स्थापित करें। ये लड्डुओं का भोग हम भगवान श्री गणेश जी को, माँ गौरी मियाँ को चढ़ा रहे हैं, फिर भगवान बाल गोपाल को चढ़ाएंगे। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, महादेवी भोग स्वीकार करो। ये केदली फल है, यानी केले का फल, इसको भी हम भगवान जी को अर्पण कर रहे हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, देवता फल स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, महादेवी फल स्वीकार करो। अंगूर जो है, जो मैं आपको दिखाई हूँ, इस मेवा को मैं दिखाई हूँ, मुनक्का को, किशमिश को, तो ये अभी इस समय में ये अंगूर उपलब्ध है, मिल रहा है, तो ये ज़्यादा महत्व रखता है। जब जिस समय नहीं मिलता उस समय हम इस मेवा को चढ़ाते हैं। ये सूखा मेवा है और ये हरा, तो हम इसको अभी मिला है तो हम इसको भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः, देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, महादेवी भोग स्वीकार करो, माता की जय हो। अब मैं बाल गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ, तो बाल गोपाल जी के सभी
भोग में तुलसी मैया को मैं अर्पण करके डाल के उसके बाद भोग लगाऊंगी। सब भोग में देवता का तुलसी दल डाल के ही भोग लगाते हैं, तभी प्रभु को स्वीकार होता है। तो भगवान जी को माखन बहुत प्रिय है, तो सबसे पहले बाल गोपाल जी को माखन चढ़ा रहे हैं। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, देवता माखन स्वीकार करो, प्रभु की जय हो। फिर ये मिश्री है, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, देवता भोग स्वीकार करो। ये सब भोग हम भगवान जी के पास चढ़ा देते हैं। ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, प्रभु भोग स्वीकार करो, देवता की जय हो। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, प्रभु भोग स्वीकार करो, देवता की जय हो। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, प्रभु भोग स्वीकार करो। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, देवता के दिली फल स्वीकार करो, प्रभु की जय हो। ये मैं भगवान जी को भोग अर्पण कर दी हूँ। अब भगवान जी को थोड़ा सा हम जल पिला देते हैं कुश घास से। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम मां गौरी नमो, ओम मां गौरी नमो, ओम मां गौरी नमो, ओम श्री बाल गोपालाय नमो, ओम श्री बाल गोपालाय नमो, ओम श्री बाल गोपालाय नमो, देवता जल से तृप्ति मिले, प्रभु की जय हो। तो भगवान जी को मैं भोग अर्पण कर दी हूँ। अब ये तांबूल पत्र है, दो पान, दो सुपारी, दो इलायची, दो लौंग। जबकि हर पूजा में मैं बताती हूँ भगवान को दो दो चढ़ाना चाहिए। अब मैं भगवान श्री गणेश जी को चढ़ा रही हूँ। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः, देवता तांबूल पत्र स्वीकार करें मुख शुद्धि के लिए, भगवान श्री गणेश जी की जय हो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमः, महादेवी की जय हो, माता तांबूल पत्र स्वीकार करें, देवी मैया की जय हो। वैसे तो बाल गोपाल जी बहुत छोटे हैं, वो तांबूल पत्र खा नहीं पाएंगे, फिर भी हम उनको श्रद्धा से स्नेह से देवता को भी तांबूल पत्र अर्पण कर रहे हैं। ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री बाल गोपालाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, देवता तांबूल पत्र स्वीकार करें, लौंग इलायची पान सुपारी स्वीकार करें मुख शुद्धि के लिए, भगवान की जय हो। मैं आपसे बताना चाहूंगी स्थापना दिवस में भगवान जी के पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती गा के करना है, जो कि आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। फिर भगवान जी की, भगवान बाल गोपाल जी की आरती करना है, जो कि आरती कुंज बिहारी की जो गाया जाता है वो विधिवत घर के जितने भी सदस्य हैं स्थापना दिवस में भगवान की आरती खड़े होकर करेंगे और सब जन दक्षिणा चढ़ाएंगे भगवान के लिए। तो आरती को मैं जला दे रही हूँ। और भगवान जी का जिस दिन स्थापना होता है उस दिन दान पुण्य ब्राह्मणों को भोजन और रात्रि जागरण करके भगवान जी के लिए हम सोहर गीत गाते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण जन्म अष्टमी में हम भगवान जी का जन्म दिवस मनाते हैं, आप चाहें तो उस दिन भी लड्डू गोपाल को स्थापित कर सकती हैं, नहीं तो अक्षय तृतीया और हलषष्ठी या इन पर्वों पर भी भगवान को स्थापित कर सकती हैं। तो मान्यता यही है कि हम जिस दिन भगवान का स्थापना करें उसी दिन हम भगवान का जन्म उत्सव मनाएं, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर तो मनाएं ही, पर हम जिस पर्व पर बाल गोपाल जी को अपने घर में ला के स्थापित करें हर वर्ष उस दिन या तो सत्यनारायण जी की कथा कहवाएं या खुद इसी प्रकार से विधिवत भगवान को स्नान कराएं, नया वस्त्र धारण कराएं, और अगर मोरपंखी खराब हो गई है या कट गई है तो नया मोरपंखी चढ़ाएं, इसी तरह भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए। और रोज के पूजन में, भगवान जी के रोज के पूजन में ये जो कुश घास दिखा रही हूँ मैं, इससे ही भगवान को स्नान करा के और विधिवत तिलक वगैरह लगा के भगवान को भोग लगा के और आरती करनी चाहिए रोज। अगर आप तीन टाइम ना कर सकें तो सुबह शाम जरूर आरती करें और माखन मिश्री का रोज भोग लगाएं। अगर माखन रोज नहीं हो पाए तो मिश्री और मुनक्का डाल के रोज भगवान को भोग लगाएं तुलसी दल डाल के। ये भी मान्यता है कि भगवान बाल गोपाल जी का जिस घर में स्थापना होता है उस घर में, मतलब कहा यही जाता है कि एक क्षण के लिए भी
मेन गेट में ताला नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को अकेले छोड़ के कहीं भी नहीं जाते कि हमारा बच्चा पलंग से गिर जाएगा या रोएगा, कुछ मांगेगा, तो घर में किसी न किसी को जरूर होना चाहिए। अगर आप सभी घर से बाहर जा रहे हैं तो किसी न किसी को जरूर रखिए बाल गोपाल के सेवा के लिए। घर में ताला बंद करके कदापि न जाए। जैसे मान लीजिए घर में किसी प्रकार की अशुद्धता, सूतक पातक या कुछ भी पड़ता है, तो उन दिनों में भगवान बाल गोपाल को अपने कुल पुरोहित के यहाँ दे दें। आपके कुल पुरोहित उनका विधिवत तब तक पूजन करेंगे जब तक आपके यहाँ घर में शुद्धि न हो जाए, या तो किसी पड़ोसी के यहाँ दे दें जहाँ पहले से बाल गोपाल हो, वो अपने बाल गोपाल के साथ आपके भी बाल गोपाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा ना करें कि बाल गोपाल को बैठा दें, मतलब जन्माष्टमी में ला के पूजन करके कहीं आड़ टाण वगैरह में रख दें या पूजन स्थान में ही रख के हम उनको ऐसे रख दिए, दो दो चार चार दिन हम उनको भोग नहीं लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उनकी पूजन नहीं कर पाते तो आप उनको स्थापित न करें। जैसे कि बहुत समझदार लोग जो हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो कांच में मढ़ी हुई भगवान की फोटो की पूजा इसीलिए करते हैं कि घर में कोई अस्वस्थ हो गए, पूजा नहीं कर पाते, किसी भी कारण एक दो दिन हम पूजा नहीं कर पाते, दीप नहीं कर पाते, तो उससे मतलब ज्यादा भगवान को हम नुकसान नहीं पहुंचते हुए देखते। लेकिन बाल गोपाल, शालिग्राम, शिवलिंग और माँ तुलसी, ये देवता ऐसे हैं कि इनको रोज भोग और जल चाहिए। माँ तुलसी को जैसे हम बता रहे हैं सूतक पातक होता है, तो घर के लोग उनको जल नहीं देते हैं, किसी जैसे बाहरी व्यक्ति से हम उनको जल दिलवा के सिंचवा देते हैं, तो सूख जाएंगे। इसी प्रकार से शालिग्राम, शिवलिंग को भी हम कभी भूखा नहीं रखते। तो मैं भगवान श्री बाल गोपाल के पूजन में इन देवताओं का भी मैं कुछ विधि विधान बता दी हूँ। ऐसे ही आप भगवान का पूजन करें। हम आरती घुमा के भगवान जी का हम दिखा देते हैं। ये आरती को हम जला लिए हैं, तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी को आरती दिखा देते हैं। आरती करो भगवान श्री गणेश जी की, आरती करो भगवान श्री गणेश जी की, आरती करो भगवान श्री गणेश जी की, आरती करो माता गौरी मैया जी की, आरती करो माता गौरी मैया जी की, आरती करो माता गौरी मैया जी की, आरती करो भगवान बाल गोपाल जी की, आरती करो भगवान बाल गोपाल जी की, आरती करो भगवान श्री बाल गोपाल जी की, आरती करो श्री वरुण जी की, आरती करो श्री वरुण जी की, आरती करो श्री वरुण जी की, आरती करो सर्वे देवी देवता की, आरती करो सर्वे देवी देवता की, आरती करो सर्वे देवी देवता की। ऐसे आरती करके हम फिर आरती को हम लेकर प्रदक्षिणा भी करते हैं, आरती में हम कपूर भी जला दे रहे हैं। तो मैं विधि बता रही हूँ, आप सभी जितने भक्त हैं जो भगवान का अब से स्थापना करें उनको ऐसा ही करना चाहिए। तो आप आरती जरूर करें। अब हम आरती, ये कपूर भी जला दिए हैं, भगवान को हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा को हम आरती से वार के चढ़ाते हैं ऐसे कि जो भी हमारी श्रद्धा भक्ति में भूल चूक हुआ हो, मतलब हम इनको साक्षी मान के उस गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। जो भी पूजा में गलती होती है उस दक्षिणा द्वारा हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। हम दक्षिणा भगवान श्री गणेश जी को चढ़ा दिए। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। माता गौरी जी दक्षिणा स्वीकार करें, माता गौरी जी को हम दक्षिणा चढ़ा दिए। ओम श्री बाल गोपालाय नमो, ओम श्री बाल गोपालाय नमो, ओम श्री बाल गोपाल भगवान श्री बाल गोपाल जी को हम दक्षिणा चढ़ा दिए। ओम श्री वरुण देवताय नमो, ओम श्री वरुण देवताय नमो, ओम श्री वरुण देवताय नमो। ये वरुण देवता हैं, जैसा कि हम हर पूजन में बताते हैं, ये वरुण देवता को, जब कलश देवता को हम वरुण देवता कहते हैं, हम इनका स्थापना करके सप्त देवी देवताओं का स्थापना कर लेते हैं। इनमें सात देवी देवता स्थापित हो जाते हैं बाकी की देवी देवता के साथ। तो वरुण देवता का भी हम, अगर हम कलश जी का पूजन करते हैं तो हम सात देवी देवताओं का पूजन करते हैं, इसीलिए हम कलश को बहुत महत्व देते हैं और इनको हम विधिवत सजाते हैं। इनको सजाने में हमको कम से कम आधा घंटा लगता है। इन पत्तियों में हल्दी, कुमकुम, केसर और ये स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, यहाँ पर कलावा बांधते हैं, इनके भीतर जल में हल्दी, सुपारी और अक्षत सिक्का डालते हैं, विधिवत हम स्थापना करते हैं। ये देव कलश है, जैसा कि मैं पूजन में आपको सर्वप्रथम जो हम कलश स्थापना दिए हैं उसमें बताए हैं कि देव कलश और श्री कलश। श्री कलश यानी माताओं के लिए, जो माता का स्थापना करते हैं, ये देव कलश यानी हम देवता को स्थापित करें हैं, तो हम देव कलश स्थापना करें हैं यानी कि दीप कलश स्थापना करें हैं। भगवान का स्थापना आप जहाँ भी करें, तो रसोई न हो, बेडरूम न हो, बाथरूम के सामने का दरवाजा न खुलता हो, भगवान को हम अपने भी प्राण से ज़्यादा प्रिय मानते हैं। अब ये तो बाल गोपाल हैं, यानी हम
जैसे अपने बच्चे को जो भी खिलाते हैं वो बच्चा खा लेता है, कुछ भी हो खाता है, वैसे ये देवता हैं। पर ये हमारे स्नेह से ऐसे हैं, ये कभी भी अज्ञानी या कभी भी बाल स्वरूप या कभी भी कुछ नहीं, ये तो सर्वज्ञ हैं, इनको हर चीज़ का ज्ञान हर समय था। ये हमारा भक्तों का स्नेह है कि हम इनको इस रूप में पूज के अपने स्नेह को प्रकट करते हैं, देवता को इस रूप में पूज के। तो ऐसा कभी ना समझे कि छोटे से देवता हमको इनको दस दिन तक भोग न लगाए तो क्या होता है, वो तो हम स्नेह से इनको लगाते हैं। तो पूरे विश्व को भरण पोषण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, इनको क्या जरूरत है। लेकिन अगर हम इनको लाए हैं कृष्ण जन्माष्टमी में, हम फिर से बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहे हैं कि कई बहन भाई हमसे ये प्रश्न किए हैं कि हम बाल गोपाल को लाए हैं, हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो उनका क्या करें। हम उन्हीं सब भाई बहनों के लिए ये वीडियो तैयार किए हैं कि बाल गोपाल का हम किस तरह से विधिवत पूजन करें। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि बाल गोपाल को अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उनको साथ में ले जा सकते हैं। मान लीजिए हम अपने मायके या ससुराल या अपने प्रत्येक घर में छुट्टियों में जा रहे हैं या कहीं घूमने के लिए, तो ऐसा भी विधान है कि भगवान को हम सिंहासन सहित अपने साथ ले जाएं और जहां भी रहें उनको वहां पर विधिवत भोग लगाएं, जैसे हम अपने बच्चे को खिलाते हैं पिलाते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी संकोच नहीं है, कोई भी इसमें विधान नहीं टूटेगा। आप वहां ले जाएं विधिवत भगवान को और वहां आप रोज जैसे आप बाकी देवी देवता का पूजन करते हैं तो वो तो यहीं रहे, लेकिन बाल गोपाल को जरूर अपने साथ ले जाएं और वहां पर उनको विधिवत भोग लगा के और उनको दक्षिणा रोज चढ़ाएं। तो मैं आपको विधिवत बाल गोपाल जी का पूजन करके दिखाई हूँ। आशा है आप इस वीडियो से, इस पूजन से लाभ उठाएंगे और जो भी चूक करते थे आज तक वो नहीं करेंगे। घर में कभी भी ताला नहीं लगाएंगे, यानी कि सब पूरे परिवार घर से बाहर निकल के ताला नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमारा बच्चा घर में सोता है तो हमारा मन लगा रहता है कि हमारा बच्चा कहीं गिरे ना, कहीं उसको चोट ना आए, कोई ऐसी चीज ना छू ले कि कहीं जल ना जाए। उसी प्रकार से हम बाल गोपाल से स्नेह करते हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो आप कभी अगर बाहर जाए तो बाल गोपाल को स्नेह से एक अच्छे डोलची में या किसी चीज में उनको रखें, ले जाएं और वहां भी आप उनका पूजन कर सकती हैं। तो मैं आपको भगवान बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल का विधिवत पूजन करके दिखाई हूँ। मैं दिखाई हूँ आपको कि विधिवत पूजन किसी भी देवी देवता जब स्थापना होता है तो गौरी गणेश का भी पूजन दिखाई हूँ। और हमें आशा है कि ये पूजन आपको मैं दिखाई हूँ तो जितने भाई बहन हमसे पूछते थे लड्डू गोपाल का पूजन कैसे करें क्या करें, उनको काफी इसमें सुविधा हो जाएगी हमारे ये वीडियो देने से। इसी प्रकार के वीडियो हम आगे भी देंगे, जो भी आपको जैसा भी वीडियो चाहिए, जिसकी जानकारी चाहिए आप बताते रहे, हम आपको आगे भी ऐसे वीडियो देते रहेंगे। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।